सत श्री अकाल दोस्तों, BS न्यूज़ पंजाबी ते तुहाडा स्वागत है। आओ जानते हाँ कुछ खास खबरां। मीडिया रिपोर्टां मुताबक दक्षण पछमी मानसून चंगी गति नाल अगे वध रहा है। केरल में 2 दिन की देरी नाल दस्तक देन दे बाद ये राज्यां विच समय तो पहला पहुँच रहा। 2013 के बाद मानसून की गति इस बार सब तो चंगी है। 2013 में जून मध तक पूरे भारत को मानसून ने कवर कर लिया। इस बार मध जून के बाद 2013 वाली स्थिति बन सकती है। दूजे पासे भारत मौसम विभाग ने मुंबई में अगले 2 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया। IMD की विज्ञानक शुभांगी भूते ने दसाया कि अगले 2 दिन मुंबई समेत पूरे कोंकण खेत्र में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। 1-2 थावां ते बहुत मूसलाधार बारिश हो सकती है। इस नूं देखते हुए 2 दिन का रेड अलर्ट जारी किया गया। मुंबई में मानसून के पहुंचने के बाद तो ही लगातार बारिश हो रही है। आने वाले दिनों में भी यह सिलसिला जारी रहने की संभावना है। 13-14 जून में पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश के इलाकों में वर्षा दी गतिविधियां बढ़ रही। स्काईमेट की रिपोर्ट मुताबक सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि पंजाब हरियाणा और उत्तराखंड में भी मानसून समय तो पहला पहुंचेगा। राजस्थान ही एक अजिहा सूबा है जिथे काफ़ी घट बारिश दी गतिविधियां देखिया जा रही। उम्मीद है कि इन राज्यों के बाद राजस्थान में भी मानसून दस्तक दे देगा। उत्थे ही दूजे पासे दिल्ली के सिक्ख्या मंत्री मनीष सिसोदिया वालों पंजाब नूं बदनाम करन दी नीयत नाल कीती जा रही बयानबाजी ते तिखी प्रतिक्रिया जाहर करदिआं स्कूल सिक्ख्या मंत्री पंजाब विजेंद्र सिंगला ने कहा कि आम आदमी पार्टी वालों अपने स्कूल माडल बारे कीती जा रही बयानबाजी पंजाब दे अवल आउण नाल बेनकाब हो गई है अते हुण मनीष सिसोदिया की बेचैनी स्पष्ट नज़र आ रही है। सिक्ख्या मंत्री श्री सिंगला ने झूठे दोषों के आधार पर अपनी तर्कहीन बयानबाजी राही इस मुद्दे का सियासीकरण करने की बेतुकी कोशिश से सिसोदिया की निंदा करदिआं कहा कि हालांकि पंजाब नूं सारे सूबियां अते केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूलों के कारगुजारी ग्रेडिंग सूचकांक विच चोटी का दर्जा मिलिया पर दिल्ली नूं सिखरले 5 राज्यां केंद्र शासित प्रदेशों में यह दर्जा हासिल नहीं होया। इस नूं 6वें स्थान पर रखा गया। श्री सिंगला ने कहा कि जदों पंजाब ने मैरिट के आधार पर यह दर्जा हासिल किया है दिल्ली के सिक्ख्या मंत्री पंजाब में आने वाली चोणों को ध्यान में रखदिआं सियासी लाहा लैण लई झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने अगे कहा कि साडे लई सिक्ख्या विच सुधार एक तरजीही मुद्दा है असी कदे भी इसनों चोन लड़ाई के साधन वजों वरतन की कोशिश नहीं की जिमें कि आप सरकार वालों किया जाता रहा। सिक्ख्या मंत्री ने आप सरकार नूं पंजाब आउण दा सद्दा दिता तां जो सरकारी स्कूलों में सिक्ख्या के पद्धर में सुधार करने लई कांग्रेस सरकार तो सख्त सीख सकन। उधर दूजे पासे झुग्गी चौंपड़ी वाले लिए अपना खुद का मकान होने के सुपने साकार करने वास्ते पंजाब की मुख्य सकत्र श्रीमती विन्नी महाजन ने अज मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रमुख प्रोग्राम बसेरा तहत 6 जिलों में झुग्गी चौंपड़ियों में रेंदे 1996 परिवारों को मालकाना हक देने की प्रवानगी दे दी है। यह प्रवानगी अज इतने बसेरा योजना तहत मुख्य सकत्र की प्रधानगी हेठ हुई संचालन कमेटी की 3री मीटिंग में दी गई। शहरी खेतरों में सूबाई सरकार की जमीन से झुग्गी चौंपड़ियों रेंदे लोगों को मालकाना हक देने की योजना शुरू करने वाला पंजाब देश का पहला सूबा है। झुग्गी झोंपड़ियों में रेंदे जिहड़े 1996 परिवारों को मालकी हक दिए गए हैं वह पटियाला लुधियाना मानसा फिरोजपुर बरनाला कपूरथल जिलों में बनिया 24 झुग्गी झोंपड़ियों वाली थावां ते रह रहे हैं। दशहरा स्कीम की प्रगति की समीक्षा करदिआं मुख्य सकत्र ने स्थानक सरकारां विभाग में सर्वेक्षण मुकम्मल करने के निर्देश दिए ता जो 11,000 होर झुग्गी झोंपड़ी वालों को मालकी अधिकार देने की प्रक्रिया जल्द तो जल्द मुकम्मल की जा सके। स्थानक सरकारां विभाग के प्रमुख सकत्र श्री अजोय कुमार स्नेहा ने मुख्य सकत्र नूं दस्सिया कि सारे संबंधित डिप्टी कमिश्नरां नूं योग लाभपात्रियों की पछाण वास्ते सर्वेक्षण मुकम्मल करने लई कहा गया है ता जो उन्हां नूं मालकी अधिकार दिए जा सकन।